मतलब आप टाइम सुनाओ की बेशर्मी तो देखिए, ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी आईटी सेल से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। टाइम सुनाओ ने अपने फ्रंट पेज पर ध्रुव राठी पर एफआईआर दर्ज कर ली है, इसकी झूठी खबर फैलाई। दरअसल ट्विटर एक्स पर एक ध्रुव राठी के नाम से पैरोडी अकाउंट है और इसी ध्रुव राठी के फेक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें कहा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिना यूपीएससी एग्जाम के डीएम बन गई। इसी पैरोडी अकाउंट पर ओम बिरला के किसी फैमिली मेंबर ने एफआईआर दर्ज करा दी और यही फेक न्यूज टाइम्स नाउ ने अपने फ्रंट पेज पर छाप दी, क्योंकि टाइम्स नाउ के पास फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोई फैक्ट चेकर नहीं था जिससे ये फैक्ट न्यूज वेरीफाई कर सके। और फिर क्या था, ध्रुव राठी ने टाइम्स नाउ को अपने रडार पर ले लिया और साफ शब्दों में कहा, हेलो टाइम्स नाउ, तुम्हारे अखबार का पहला पन्ना मेरे बारे में झूठ क्यों फैला रहा है? अपनी आंखों से देखो कि यह कथित पोस्ट किसी पैरोडी अकाउंट द्वारा ट्वीट की गई है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, तुम राइट विंग और बीजेपी आईटी सेल के लोग ध्रुव राठी से आखिर चाहते क्या हैं? तुम उसकी वाइफ को गाली देते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, हिंदू विरोधी बोलते हो, धर्म विरोधी बोलते हो, एंटी नेशनल बोलते हो और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं है। अभी देखना आपने अल्पेश यादव के झूठ को कैसे पकड़ लिया।